रात में सुंदरी और पिंकी गांव में घूमने निकली थी। अरे, तेरे फ्रेंड बंटी से तेरी बात होती है या नहीं? कभी कभी 3-4 महीने में एक बार हो जाती है। प्यार भी पुराना पड़ जाता है, रिश्ते को निभाना पड़ता है। वो देख कितना सुंदर बगीचा है, चल वहाँ से कुछ फूल तोड़ लेते हैं बंटी को देने के लिए। पिंकी और सुंदरी बगीचे में फूल तोड़ने लगती है, तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा वहां आती है और दोनों की टांग पकड़कर खींचते हुए नीचे ले जाती है। नागपुर गांव में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। एक रात कालू जलेबियां लेकर लौट रहा था तो वो देखता है कि एक चिड़िया जमीन में गड़ी हुई थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू तुरंत उस चिड़िया के पास जाता है और उसका पंख पकड़कर उसे जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी वो भयानक चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है और उल्टा कालू को ही जमीन के अंदर खींचने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। कालू लगभग जमीन के अंदर फंस जाता है, तभी बंटी वहां से गुजर रहा था। बंटी कालू की टांग पकड़कर उसे जमीन से बाहर निकालता है। क्या हुआ, किसने तुम्हें जमीन के अंदर खींचा था? वो ही थी। इस बात के बारे में किसी से जिक्र मत करना। मेरी पत्नी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। कालू के गांव में चिगर बाबा रहता था, जो काला जादू करके पक्षियों की समस्याएं सुलझाता था। बाबा, मेरा नाम टुनटुनी है। मेरे पति एक चिड़िया के चक्कर में फंस गए हैं। मुझे सौतन से छुटकारा चाहिए। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच भूतिया चिड़िया की आत्मा का बगीचा है। अमावस्या की रात को 1 बजे उस बगीचे में जाना और उसके सामने 3 बार झुकना और उससे एक फूल तोड़ने की इजाज़त मांगना। अगर वो तुम्हें इजाज़त दे देगी तो उस फूल को लाकर अपने पति को सूंघा देना, फिर वो तेरे बस में होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने कोई भी गड़बड़ कर दी तो वो नाराज हो जाएगी और तुझे मार डालेगी। ये सुनकर टुनटुनी भूतिया बगीचे में जाती है। वहाँ भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा टहल रही थी। टुनटुनी सीधा जाकर फूल तोड़ने लगती है। तभी भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसे पकड़ लेती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? उस दिन तो तेरा पति बच गया, लेकिन आज तू नहीं बचेगी। मैं तुझे जान से मार दूंगी। तेरा पति ना सही, तुझे मारकर अपनी मौत का बदला लूंगी, तभी मुझे शांति मिलेगी, शांति। ये कहकर टोनी चिड़िया की आत्मा उसे मारने वाली होती है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी को छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। 8 साल पहले की बात है, गांव में एक चिड़िया रहती थी। वह गांव की सबसे सुंदर चिड़िया थी। मेरा उस पर दिल आ गया था। एक दिन मैंने अपने दिल की बात उसे बताने का निर्णय किया। टोनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और शादी की बात तो भूल ही जाओ। मैं पढ़ी लिखी हूँ और तू गवार। ये सुनकर कालू कौवा को गुस्सा आ जाता है और वो रात में टोनी के घर जाकर उसे जान से मार देता है और उसकी लाश को बगीचे में दफना देता है। जब से मेरी आत्मा इस बगीचे में भटक रही है, मैं जब तक तुझे मार नहीं देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहकर टोनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवा को मार देती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह कालू कौवा को अपने किए की सजा मिल जाती है। यह कहानी सुंदरवन जंगल की है, जहाँ पर सभी पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में खुशी खुशी रह रहे थे। उसी जंगल में एक गरीब टोनी चिड़िया पेड़ की डाल में रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही कोई परिवार था। वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई पक्षी उसकी मदद नहीं करता था। बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था, ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। एक दिन टोनी चिड़िया डाल में बैठी हुई थी, तभी उसके पास कुछ पक्षी आते हैं। अरे देखो पक्षियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाल में बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है। इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके? अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने की भी औकात नहीं है। सारे पक्षी टोनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं।
टोनी चिड़िया उन सारे पक्षियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद सारे पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? क्यों मेरे पास अपना घर नहीं है और ना ही मेरे पास अपना परिवार है, और क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ? सारे पक्षी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया वही डाल पर बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगती है, और देखते ही देखते रात हो जाती है, और फिर टोनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। तभी बहुत तेज आवाज के साथ बारिश आती है और जंगल की सारी डालियां टूट जाती है, और टोनी चिड़िया जिस पेड़ की डाल पर बैठी थी वो डाल भी टूट जाती है, और उसकी वजह से टोनी चिड़िया को बहुत चोट भी लगती है। और फिर सुबह हो जाती है, टोनी चिड़िया उसी पेड़ की डाल पर नीचे जख्मी पड़ी थी। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को कैसे फटका खाकर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कलमू ही इसलिए कहते हैं कि पक्षियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। सारे पक्षी टोनी का मजाक उड़ाकर टोनी को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। बेचारी टोनी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से खड़ी होती है और वहाँ से उड़कर दूर एक बांस के खेत में पहुँच जाती है। सारे पक्षियों ने तो ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना अब बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो जाएगी। लेकिन मैं घर कैसे बनाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टोनी चिड़िया को अपने सामने रखी बांस की लकड़ियां दिखाई देती है। उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियां हैं, क्यों ना मैं इसे अपना घर बना लूं, ताकि मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल जाए। टोनी चिड़िया वहाँ पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद टोनी चिड़िया अपना एक बहुत सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है। थोड़े दिन बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है, जिससे जंगल के सभी पक्षियों के मजबूत घर भी नहीं झेल पाए और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं। सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों, मैंने सुना है टोनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो उसके पास चलते हैं, शायद वो कुछ मदद कर दे। फिर सारे पक्षी टोनी चिड़िया के घर पहुंचते हैं। अरे टोनी, तेरा बांस का घर तो बहुत मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान में गिर गए, लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद नहीं की, प्लीज हमें माफ कर दे, हम आज के बाद से तुझे उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे, तो प्लीज हमें अपने घर में रहने दे, हम पक्षी कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं पक्षियों, तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, इतना ही काफी है मेरे लिए, आ जाओ मेरे घर में आ जाओ। फिर टोनी चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सब खुशी खुशी टोनी के साथ रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें यह कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छाई और मेहनत का फल एक दिन भगवान हमें जरूर देता है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और टोनी चिड़िया के वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।